लेट्स सी द चार्ट। ओके, तो आप लोगों को रूल्स लिख लो, पहला कैप्टन रेट हो गया आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को देखना है बॉलिंजर बैंड के ऊपर कंप्लीटली ट्रायंगल बनना है, नॉट इवन शैडो टच करना चाहिए, ना लो ना हाई कुछ, उसके ऊपर कंप्लीटली बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए। इसके नीचे बॉलिंजर बैंड के नीचे कंप्लीटली कैंडल बनना चाहिए जो टच नहीं करता हो कुछ भी, ना हाई ना लो ना शैडो कुछ भी, बॉलिंजर बैंड का कुछ भी टच ना करता हो। समझ में आ गया? इजी, मैं चार्ट में दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये क्लियर हो गया? आप लोग हो या नहीं हो, लेकिन सब लॉजिक है बस इतना ध्यान में रखो, अगर मुझे बोला जाए कि नहीं सुबह से लेकर अगर शाम तक मैं मेहनत कर रहा हूं तो इवनिंग को मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इट्स अ सिंपल थिंग, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, सिंपल। सी मार्केट अगर ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इट हैज टू रिटर्न टू द मीन, और बॉलिंजर बैंड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने 5 में बताया था बॉलिंजर बैंड और ज्यादा ईजी है, क्यों? क्योंकि बॉलिंजर बैंड 80-70% टाइम इसी के आसपास प्राइस चलता है, अगर डिविएशन हो रहा है ट्रेडिंग फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं, हमेशा 90% सेटअप ढूंढते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं जिन लोग 25% 20-30% सेटअप फाइंड आउट किए हैं उन्हीं लोग आज बड़े बड़े इन्वेस्टर है। सुनो, डू यू नो कि इन्वेस्टर का कितना एक्यूरेसी रहता है? 25-30-40%, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होता तो फिर स्टॉक मार्केट भी काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो चीजें, 100% कोई भी नहीं है, लेकिन ट्रेडर चाहता है मेरा एक्यूरेसी और बढ़े, क्योंकि उनको पता है दिन में मार्केट बस 100-200 पॉइंट मूव करता है, मैं अगर 1:4-5 के बारे में सोचूं तो फिर इंटरडे में ये मूव ही नहीं आएगा। बट मैं आपको ऐसे डेज बता रहा हूं जहां पे 400-500 पॉइंट की मूव आ सकती है, सिंपल इजी। चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल की तरफ। वहां पे एक सेटिंग मैंने आपको बॉलिंजर बैंड का बताया था, करेक्ट? आप लोग थोड़ा सा एक्साइटेड कम लग रहे हो या ध्यान से सुन रहे हो? दैट्स करेक्ट। चलो तो चलो मैं यहाँ पे इजीली बताता हूँ बॉलिंजर बैंड। अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, देखो प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज है जो कि नहीं, मुझे टाइम चाहिए, दैट्स आई एम मेकिंग एवरीडे वीडियो टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मैं प्राइस रीड करता हूँ। लेकिन उससे पहले घर तो भर लो, पॉइंट आ जाए, पैसे आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे प्राइस एक्शन मार्केट ही सिखा देगा। ये सर लो, डोंट वरी, ऐसे मैंने प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू प्राइस एक्शन। आपको मैं जैसे प्राइस एक्शन बताऊंगा, आप हिस्ट्री में कहीं पे भी ढूंढ लो, नहीं मिलने वाला, क्योंकि फॉर मी प्राइस एक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट, हायर हाई लो एंड लो, ये हर जगह सब लोग जानते हैं, बट देयर इज समथिंग, प्राइस इमीडिएट कहां से चेंज होता है हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बोला, हम लोगों को बस एक पैर टेस्ट करना है पानी कितना गहरा है, अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा है पैर उठा लेना है, नहीं है दोनों पैर उठा के वहां पे खेलते रहेंगे। सेम मेरे लिए ट्रेडिंग यही है, 100-150 रुपए देके हम लोग ऐसे लेते रहेंगे, जिस दिन हम लोग को पूरा पैसा मिल गया we'll going to capture 500, 600, 700, 800 पॉइंट। यस और नो? यस। चलो तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करना है, दैट टू 1.5। क्यों 1.5 पे मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कंप्लीटली, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ओके, सब ग्राफ लाइन एवरीथिंग शुड बी ब्लैक। मैं बॉलिंजर बैंड क्या होता है मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन इन डिटेल्स में अगर जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए कोई भी चीज सीखने से पहले मेक श्योर कीजिए कि 100% अपना दे दीजिए, उसके बाद पैसा तो मिल ही जाएगा। ओके, सिंपल फर्स्ट थिंग, हम लोग को कैंडल कंप्लीटली इधर बाहर चाहिए नीचे चाहिए। ओके, हम लोग पहले रैंडमली चलते हैं, कभी भी पीछे चलते हैं, चलो रैंडमली कहीं भी चले। ओके, सो दैट मीन हम लोग लुक लाइक ये कैंडल, इस तरीके का कैंडल हमको चाहिए, इस तरीके का कैंडल चाहिए। समझ में आ गया आपको? जो कि कंप्लीटली टच नहीं करता हूं, यस। दो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप लोग करोगे आपको मंथ में एक या दो ट्रेड मिलेगा, विच इज नॉट सफिशिएंट, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1.5 किया, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट मोर ट्रेड विद मोर एक्यूरेसी, तो आपको स्मॉल स्मॉल ट्रेड मिलता है। सिंपल, समझ में आया? तो हम लोगों को करना क्या है, रूल्स के हिसाब से सिंपल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट किया, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स प्रीवियस कैंडल का अगर हाई बन रहा है क्रॉस कर रहा है हम ट्रेड लेंगे। मैं इंट्राडे के लिए बताऊंगा, पोजिशनल के लिए बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोगों का बाय एग्जीक्यूट हो गया, अरे भाई लॉसेस हुआ तो बोलो लॉसेस हुआ,
लॉस यस सब लोगों को परफेक्ट सिमिलर हमारा स्टोरी सिमिलर है फिर हम लोगों को नेक्स्ट कैंडल मिला या नहीं मिला यस अभी नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ हम लोग बाय करेंगे यस अभी हम लोग देखते हैं पैसा मिला या नहीं मिला लेट मी जूम आउट फर्स्ट ओके 1:4 हम लोग का बात हुआ था क्या मिला मैंने आपको बोला मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करना है राइट आप रेडी रहोगे नहीं लॉसेस बुक करना सीखो मैं आपको रुला दूंगा लॉसेस ले लेकर और जिस दिन आप प्रॉफिट कमाओगे राइट फिर आपके पड़ोसी वाले आप पे ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है मैं आपको बता रहा हूँ राइट ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है हमको बार बार लगता है सर पैसा कम है पैसा कम है पैसा कम है मैं बता रहा हूँ आप बस 10% कमा के दिखा दो पड़ोसी को या अपने एम्प्लॉय को पैसे ही पैसे हैं सबको आप इमेजिन नहीं करोगे द अमाउंट ऑफ मनी आप मिल सकता है लेकिन इन द एंड में क्या होगा स्किल अगर नहीं है ना वहां पैसा बनेगा ना हाँ यहाँ बनेगा लोग वही कर रहे हैं इसका पैसा लेके वहां हैंडल कर रहे हैं उसका लेके यहाँ हैंडल कर रहे हैं मैं तो इनफैक्ट ये भी सुना 99% का स्ट्रैटेजी होता है सक्सेस रेशियो मैंने बोला भाई मेरा घर ले जा तू आप समझ लो जरूरत नहीं है जब आप पैसा 1:4:5 सोच रहे हैं उसके बाद आप लोग चले जाते हैं उसके बाद आप लोग को एंट्री मिला नहीं मिला इन दिस एरिया मिला नहीं मिला एंट्री कहां मिलेगा दिस इज अ ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन एंट्री यहां नहीं होगा एंट्री यहां पे होगा क्योंकि ये भी कैंडल आपको बाहर दिख रहा है कंप्लीटली पहले कैंडल बना फिर सेकंड कैंडल बना यस सर नो दैट मींस ये प्रीवियस कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा मैं बाय करूंगा स्टॉप लॉस विल बी हियर और आपका टारगेट एनफ फॉर द मंथ सेलिंग हियर टारगेट एनफ फॉर द मंथ आप अभी अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्यों हमने तो कभी 100 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट तो देखा ही नहीं आप 500-600 पॉइंट का बात कर रहे हो सर और ये इसको कैलकुलेट करोगे इतना स्विंग अगर बैंक निफ्टी 34,000 से लेकर 38,000 आप पागल हो सकते हो इतना प्रॉफिट देखने के बाद मैं सच में बता रहा हूँ पागल हो सकते हो कभी बैठो ये ट्रेडिंग सिस्टम लेके बैठो एक दिन ट्रेड करो एक महीना ये सोच लो कि नहीं एक एक क्वांटिटी ट्रेड करना है आप पागल ना हो जाओ तो मुझे बताना 1,000-2,000 पॉइंट उसके अगेंस्ट में देने के लिए कितना है 100-200-300-400 या 500 पॉइंट हम लोग उससे डबल ट्रिपल इजीली मिल सकता है ओके चलो फिर आगे चलते हैं क्योंकि लॉसेस का सिलसिला जारी रहेगा और मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट एज पर मार्केट कंडीशन इट्स ए सिंपल रूल मैंने बस क्या रूल चेंज किया होल सेटअप में बस एक ही चीज कॉमन है प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा रखा और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया कैसे जो मार्केट स्ट्रेच होता है मुझे उसमें फोकस करना है इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं अगर आप लोग कॉपरेट करोगे तो उसको भी मैं सिखा दूंगा और फाइन ट्यून कर सकते हैं नो इश्यू उसके बाद चलते हैं आगे ओके डोंट यू थिंक फिर से यहाँ पे एक ऐसा रीट हुआ यहाँ पे कितने लोग खुश हैं अरे खुश हो भाई क्योंकि अगर इमेजिन करो एक एक स्टॉक गिर गया कंप्लीटली आउट ऑफ द बैंड चला गया आपका एफएलईट हुआ कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा ओके उन लोग को बाय करने दो और जिस दिन उन लोग बाय करेंगे या और कितना गिर जाएगा हम लोग पहले से रेडी है ये सर लोग क्या पता हम लोग को बॉटम मिल जाए इन दिस केस फिर से मिला या नहीं मिला आप पागल हो सकते हो नहीं 33,000 से और अभी कहां चल रहा है उल्सी आप सीरियस पागल हो सकते हो लेट्स सी कहां तक है 38,000 अगेन कितने टाइम का फर्क है 2-3 महीने के अंदर एंड यू आर सोचेंगे सर आप 1000 पॉइंट कैसे बना रहे हो अरे मैं क्यों बनाऊंगा मार्केट दे रही है मार्केट इधर से ऊपर से नीचे जा रही है बार बार जा रहा है कितने बार जा चुका है 41,000 के आसपास सेलिंग आएगा हम लोगों ने पहले से सोचा था ये सर लोग ताकि सार्स सेलिंग आएगा आ चुका है 1000 पॉइंट फिर से इन हो चुके हैं ये ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बैठ जाइए मैं रिपीट करूंगा डोंट वरी अबाउट इट क्वेश्चन में ज्यादा ले नहीं सकता स्टिल आई आंसर फिर अभी अभी हमारा इशू क्या हुआ आपको पता है हम लोगों ने ट्रेड लिया और मार्केट 800 पॉइंट ऊपर खुल गया या फिर ट्रेड ले नहीं पाई यस नो यस गैप अप और गैप डाउन का एक प्रोबेबिलिटी रहता है इट कैन बी इन योर फेवर इट कैन बी आप लोगों ऐसा काम करके 10 बार मतलब 10वीं का एग्जाम आपको एक बार देना है फेल हो गए तो 60% के ऊपर ऐसा स्टॉक मार्केट है क्या
चला गया, छोड़ो, लेट इट बी, यू फील मोर हैप्पी कि नहीं, आपने सोचा था यहाँ बाई करूंगा और आपके गेस्ट में 1600 पॉइंट खुला है, ये सुन लो, या फिर 600 पॉइंट या 500 पॉइंट जो भी आपको खुला है, ये सुन लो, यू फील मोर हैप्पी कि नहीं, आपने एक ऐसा सेटअप ढूंढा है जहाँ पे आपके फेवर में खुले हैं, खुले तो है, क्या पता क्या डर खुल जाता तो इट्स बेटर, ठीक है ना, 10 ट्रेड नहीं मिले, 5 मिले, 3 मिले, लेकिन प्रॉफिटेबल ज्यादा होना चाहिए, ये क्लियर। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको ट्रेड मिला या नहीं मिला यहां से, ओके, ये वाला एसएल आप लोगों का जाएगा, इन द सेंस कि नहीं यहां पे मैं ट्रेड लेने वाला था लेकिन गैप डाउन को लिया 300-400 पॉइंट का, ये ठीक है ना भाई, 10 लॉट लेता था, 1 लॉट ले लो, छोड़ दो, रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिक बन गया। इश्यू क्या है आपको बताए कि नहीं, आपने इतना प्रॉफिट कभी देखा नहीं है, आपको मैं करोड़ों का बातें बता रहा हूँ, लेकिन 100 रुपए चला गया तो समझो बात को, 1000 रुपए सामने दिख रहे हैं, और मैं आजकल का बात नहीं कर रहा हूँ आपको, लेट्स गो बैक, मैं तो रैंडमली कहीं पे भी आया, चलो और पीछे चलते हैं कहीं पे भी, लेट्स, मैं बोल रहा हूँ ना, लेट्स गो एनीवेयर, आप लोग स्टॉप बोलोगे, जहां पे स्टॉप बोलोगे वहीं से चेक करेंगे, 1 2 3 स्टॉप, परफेक्ट, मिला 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 या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, यहां से मिला या नहीं मिला, फिर आपको क्या चाहिए, इट्स ऑल रैंडम, यस। और मैं बता रहा हूं, अगर मेरे फेवर में मुझे बोलना होता ना, आप मुझे बीट नहीं कर सकते, क्योंकि यू नो कि नहीं मैं ट्रेडर, इन एंड आउट में ट्रेड करता हूं, मैं आपको इसीलिए रैंडमली चीज दिखा रहा हूं क्योंकि आपको माइंड को कन्विंस हो, मैं ये दिन रात कर चुका हूं, और इससे भी सिंपल सिस्टम है, कब मिलेगा आपको, जब आप लोगों को मुझे लग रहा है कि नहीं हाँ आप लोग रेडी हो चुके हो उसको ग्रैप करने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम जब मैं बताया आगे लोग ओके हाँ ऐसा भी होता है, मैंने तो ऐसा देखा नहीं था, जब नीचे बैंड टच करता तभी बाय करना था, पूरा बाहर निकल जाए तब करना है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, जब पूरा स्ट्रेच हो चुका है तभी चाहता था वेरी आई कि नहीं कुछ ना कुछ रिवर्सल आने वाला है, और रिवर्सल जिन लोगों ने कैप्चर कर लिया देन गोइंग टू मेड एनफ, मैंने आज तक जब से ट्रेड किया हूं हार्डली एक बार आई थिंक मिस हुआ होगा, आई नेवर मिस अ सिंगल टॉप और बॉटम, लॉसेस हुए बट कैच करना है, 100 रुपए के और 100 रुपए देना है, लेकिन मिलने के लिए 1000 पॉइंट, और यहां पे यहां कितना पॉइंट है, 20,000 से 18,000, 20,000 स्टॉक में से आपको 2000 पॉइंट मिल रहा है, कितना चाहिए आपको, ओके, और चलते हैं, आप दिन रात ये कर सकते हो, और चलते हैं, बस मैं आपको मैं इसीलिए कन्विंस कर रहा हूं, यू आर गोइंग टू मेक, यहां पे आपको समय आ रहा है, यहां पे ट्रेड मिला, यस और नो, सफिशिएंट 17,000 समथिंग से आपको मिला होगा, 18,900 व्हिच इज सफिशिएंट फॉर मी, 100-200 रुपए का एसएल है एंड टारगेट विल बी ह्यूज, ओके, फिर से और आगे चलते हैं कहीं पे भी, हाँ आपको नहीं लगता टॉप में यू आर गोइंग टू अगेन सेल अप, और ये पॉइंट आप भूल जाओगे, अब नहीं कर सकते, मैं एक दिन लूंगा 500 पॉइंट मिल गया सर मैं ट्रेडर बन गया, होता है, फिर आपका नया कोर्स, नया स्ट्रेटेजी, नया चीजें दोस्त को बेचना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड द पॉइंट, ट्रेडर अगर आप एक बार बन जाते हो देयर इज नो गोइंग बैक, आपको मतलब इन द सेंस आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे उसको 110% आपके अकाउंट में जब पैसा आना स्टार्ट होगा देन यू विल फील ए डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आपको पता है क्या कर रहे हो आप, फिर आपको डर नहीं है, मार्केट तो सर क्रैश हो गया, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर 1000 पॉइंट आपके अगेंस्ट में गैप अप खुला तो, भाई 10,000 पॉइंट बना के बैठे हैं, 1000 पॉइंट गैप अप खुला तो मेरा 1000 जाएगा, जिसका 50-50 रुपए जो सेल कर रहा है उसका 1000 पॉइंट गया तो 6 महीने का इनकम जा सकता है, ये सुन लो, तो मैं तो 1000 में ही सेल करके बैठा हूँ, क्या ही हो जाएगा और 1000 जाएगा, ठीक है ये सुन लो, सिंपल रूल लिख लो साइड में, छोटे छोटे सिंपल रूल्स, ओके, the day you initiate the position, the day you initiate the position, okay, minimum 10-15% profit अगर आपके account में है तभी घर लेके जाओ उसको position, नहीं तो मत लो, cut कर लो, next day देखेंगे, this is the simple rule, yes or no, 10-15% आपका profit account में दिखना चाहिए, अगर आपने आज trade लिया, okay, in the sense options के ऊपर बोल रहा हूँ, not in terms of future के ऊपर, okay, imagine करो आपने एडवा मनी पे खरीदा कुछ चीजें या एडवा मनी पे सेल किया, 10% डीके होने के लिए हार्डली 100 या 200 रुपए का मूव चाहिए, क्योंकि 300-400 रुपए होगा, 30-40 से 50 रुपए डीके हो गया तो 10% हो गया, यस और नो, तभी लेके जाना है, पहले हम लोग लिख लेते हैं बाइंग के पर्सपेक्टिव से, कैसे बाय करना है, ओके,
टाइम फ्रेम विल बी मिनिमम 15 मिनट। ओके, इसमें आप डेली में भी बाय कर सकते हो, बट ये ध्यान में रखो अगर एक बार 300 रुपए जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको 800-900-1000 मिल सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इंट्राडे में बाइंग लो, उसके बाद फिर आप पोजिशनल प्लान कर सकते हो जब आपके अकाउंट में मिनिमम 500-1000 या 700 पॉइंट है, तभी जाए। डोंट गो रश टू गेट, अरे आज मार्केट खुला है चला जाएगा कहीं, ऐसा मैं भी सोचता था। मैं भी 2018 में नहीं था, लेकिन 2020 उससे बड़ा मार्केट आया, फिर क्या पता 2021 में और बड़ा मार्केट मिलेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि 2020 में जितना मैंने कमाया और जिस तरीके से मैंने सेटअप बनाया, आज अगर वो मार्केट होता इट विल बी इजीली बिकेम 20 टाइम्स इजीली। लेकिन उस टाइम पे मैं प्रिपेयर नहीं था, जैसे 2024, 2026, 2028 कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है, whether you are prepared or not that matters a lot। अभी मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ आपको कि नहीं भाई मार्केट क्रैश हो गया या बॉटम हो गया, एक तो कैप्चर करना है लाइफ में, फिर उसके बाद लाइफ ही सेट है। ये सुन लो, समझ में आ गया, और ये सेटअप से मिस हो ही नहीं सकता, डोंट वरी अबाउट इट, ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो पहले आप लोग लिख लो ऑप्शन बाइंग मिनिमम टाइम फ्रेम 15 मिनट, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट 2 or 3 ट्रेड इंट्राडे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, सो दैट आप सॉर्टेड हो। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्लियर, इजी। अगर आपको बाय करना है प्लान एंड द मनी आप कर सकते हो, या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, नॉट मच, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। ओके, स्टॉप लॉस गोइंग टू रिमेन 100 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50-60 रुपए मिल रहा है वेल एंड गुड, लेकिन मैक्सिमम उतना। टारगेट मिनिमम 1:4, उससे ज्यादा तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कराने वाला। समझ में आ गया। ऑप्शन सेलिंग यू आर ड्रिंक सेम एट द मनी, कितने लोगों को एट द मनी ऑप्शन सेल करना डर लगता है? क्यों बाय करते हो? समझ में आ गया ये चीजें, लेकिन कितने लोगों को एट द मनी सेल करना या बाय करना डर लगता है? क्यों डर लगता है? जस्ट नो सॉरी, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके, मैंने 300 में यहां एग्जीक्यूट किया, यस। ओके, ज्यादा नुकसान हो जाएगा मतलब क्या है? लेट्स 200-300 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला गया, यस। 200-300 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है, 100 रुपए में भी काट सकते हो, 200 में भी काट सकते हो, 500 में, कोई भी एट द मनी पे सेल करे। ओके, आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन, आप आउट ऑफ द मनी थोड़ा ज्यादा इजी रहता है, एसएल रहता है नहीं रहता? आउट ऑफ द मनी में एसएल रहता है नहीं रहता? अगर जब भाई आउट ऑफ द मनी में भी एसएल है, तो फिर एट द मनी पे शॉर्ट करके भी एसएल रख ही लेंगे, ये सब लोग समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, जब तक 10-15% आपका प्रॉफिट ना हो तब तक घर लेके नहीं जाना है। दैट मींस अगर आप लोगों ने 500 में शॉर्ट किया और इंद्रा ने घुमा फिरा के 20-30 रुपए 40 रुपए लॉस में है, तो उसको स्क्वायर अप करना है, ये सब लोग। अगर वो नहीं गया है या फिर मिल गया है, आप 25 लेट से 500 में शॉर्ट किए, 100 रुपए आपकी इंद्र मनी हो, मतलब 400 रुपए आपके हाथ में, लेट इट ओपन, नो मार्केट को खुलने दो आपके अगेंस्ट में, क्या जाएगा? क्या पता आपके फेवर में खुल गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं बस आपके अगेंस्ट नहीं खुलेगा, थोड़ी ना आपने स्टॉक मार्केट का पैसा लेके रखा है, स्टॉक मार्केट आपका पैसा लेके रखा है, ये सब लोग। ये जो डर है ना आप लोगों में से, यही निकालना है कि नहीं चीजें एक बार लेके देखो, एक लॉट ले जाओ, क्या ही हो जाएगा? 300 का 600 में बुक किया, लेट इमेजिन 300 का 600 हुआ, क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपने ये स्किल एक बार सीख लिया, तो डेफिनेटली मिलने को कितना है। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सिंपल आप लोगों का 15 मिनट से स्टार्ट होगा, डोंट वरी, आई विल टेक सम क्वेश्चन, लेकिन लेट मी कंप्लीट होल सिनेरियो। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी करंट स्टेज पे चले जाते हैं हम लोग, लेट्स गो टू करंट स्टेज। करेक्ट, ट्रेड कैसे करना था, नेक्स्ट डे हम लोगों को वेट करना है कब ये ब्रेक कर गया, इंडेक्स के ट्रेड कर गया है, कभी कभी नहीं भी करता, तो हम लोगों को इन द सेंस इसको छोड़ देंगे या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर आपको मिल गया वेल एंड गुड, फ्लैट खुल के मिल गया, नहीं तो आप 15 मिनट में ही देख लेंगे किस तरीके से ट्रेड करना है इसको, एट द मनी पे हम लोगों को शॉर्ट करना है या एट द मनी पे बाय करना है, दोनों का टारगेट सेम। अगर वो अच्छा चला गया घर लेके चले जाओ, अगर अच्छा नहीं चला लेट इट बी।